guys, I'm Playmaker by name, Love the Playmaker. I'm from Enugu State, I based in Lagos City. Please follow me on Instagram, TikTok, subscribe to my YouTube channel, Twitter, Love the Playmaker, Love the Playmaker. Please follow me and I'll follow you back also. Please, please, I'm begging, follow me. Allow me to speak my mind, yeah. But alive in the ghetto, but this boy won't blow now. Nah. I know why I go, the flow deal rhymes. Give me like I'm gonna house to the mayor. I was in a plane, yeah. Go to plane, yeah. Pop champagne, yeah. When a policeman came, yeah. Search my wallet, yeah. Search cocaine, yeah. It's a ticket, yeah. Communicate, yeah. I go school late, yeah. I was in the jungle, yeah. Trying to hustle, yeah. Trying to buzz, yeah. Like pray to Allah, yeah. Me and Noma Wallah, yeah. I give my enemy, yeah. Shoot them for ya, yeah. Hello, Mr. Wallah, yeah. Why you come to para? Yeah. So you don't do Bissala, yeah. Oh, yeah, you put on white, you have to chop. Fix the app, drill the UR, fix it. The way I do it, finish out, it's big, it's unique, nice. अबे इसमें इसमें तो हैंडसम लग रहे हो तुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रटा हुआ है ये डायलॉग तो मुझे ना आज का ये प्लान हुआ कि घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे, जैसे कि आपको पिछली दफ़ा नज़र आया था कि गुड बीच हमने किया था, गुड बीच में हमने बड़ा एंजॉय किया, दैट वाज वेरी गुड बीच। और आज भी हमारे साथ जो है वो हमने उसी लड़के को बुलाया अपने साथ जिसको हमने पहले बुलाया था। सो इसका नाम है सैमन। सैमन से हाय टू माय ऑडियंस। हाय। ओके, सो होप कि आपको डर नहीं लगा होगा लेकिन द सिनेरियो इज वॉट। आज हम जा रहे हैं, मैं पहले इस बीच को पहले भी लगा चुका हूँ, सेंटा क्रूज बीच, और बहुत ज़्यादा मज़ा किया था जब मेरे साथ कुछ और दो लोग थे यहाँ पर। बट आज जो एक और मेरे साथ गेस्ट है वलीद, तो आज मैंने प्लान किया कि आज वलीद को भी सेंटा क्रूज बीच बताएंगे। वलीद से हेलो टू माय ऑडियंस। हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ वलीद, और आज जो है वो इसने बोला कि यार भाई कुछ नया दिखाओ। तो मैंने वहाँ पर इतना कुछ नया देखा था कि मैं दिखा नहीं सका अपने ऑडियंस को। तो आज बस मैंने यही प्लान किया कि आज इसको दिखा दूँगा नया। और हमेशा की तरह मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ कि इन्जॉय तो बहुत कर रहा हूँ मैं, पर वो सारी इन्जॉयमेंट मैं दिखा नहीं सकता अपने ब्लॉग्स में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज अ फैमिली ब्लॉगर हम नहीं कर सकते। तो सिनेरियो भी है कि अब हम जा रहे हैं सेंटा क्रूज बीच, और सेंटा क्रूज बीच जाके वहाँ की छोटी सी झलकियाँ दिखाऊंगा। बहुत लॉन्ग व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बीचेस के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त स्टे किया हुआ है वो वीआई यानी कि विक्टोरिया आइलैंड। सो लेगोस इज़ ऑलरेडी आइलैंड, सो यहाँ पर सिवाय बीचेस के कुछ ऐसी खास चीज़ और है नहीं, और बाकी नाइट लाइफ्स हैं और वो सारी चीज़ें, और वो मतलब शौक भी नहीं है इतना, और मैं वहाँ पर जाता भी नहीं हूँ, और थोड़ा सा शरीफ बच्चा हूँ मैं। और आज संडे का दिन है, और संडे के दिन जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं होता यहाँ पे। कुछ रोड के मनाजिर दिखाता हूँ, बहुत ही सन्नाटा है वरना ट्रैफिक यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है कि सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एनवायरनमेंट ऑलरेडी इतने सारे ब्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू द बीच फर्स्ट। और ये है भाई संडे के दिन का माहौल, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है यहाँ पर, और अचानक से देखें लाइट चली गई बादलों की, सूरज बिल्कुल डाउन हो गया और फिर से आना शुरू हो गया। ये है बस, और ये यहाँ के कुछ जो घर वगैरह हैं वो इस तरह से हैं। और यहाँ तीन दिन से चल रही है बेसिकली पेट्रोल की स्ट्राइक, तो उस स्ट्राइक की वजह से भी जो है ना लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और मैं बस और क्या दिखाऊँ, बाकी वहाँ पर जाकर दिखाऊँगा पीपल जो यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं वो आपको वहाँ जाकर दिखाऊँगा कि किस तरह के लोग यहाँ पर मज़ीद हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सुबह सिनेरियो ये हो गया कि मैं आ गया भुट्टा खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भुट्टा वगैरह खा लूँ, तो ये बंदा है इससे भुट्टा बनवा रहा हूँ अभी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये इनके बॉयल वाले भुट्टे होते हैं, ये लोग बॉयल करते हैं इसको, और ये वाले रोस्टेड भुट्टे जो पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं आसानी से। तो अब ये बॉयल भुट्टे जो है ना ये हम नहीं खा सकते यहाँ पर, और ये वाले हम खा सकते हैं। बाकी ये इन्वायरमेंट है, और ये यहाँ पे इस तरीके के बाइकर्स हैं, इस तरीके से बाइकर्स होते हैं। तो भाई अभी सिलसिला ये कि आपने देखा हमने कॉर्न ख़रीदा यहाँ पे, और यहाँ पर कॉर्न कोकोनट एंड पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा हैं, आराम से मस्त होकर खाओ, जितना खाना है खाओ इतना, और सस्ता भी है। ये मुझे मिला है 300 नायरा का, तो इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं है यहाँ पर, ठीक है यहाँ के हिसाब से। फाइनली जो है ना भुट्टा खाते खाते मैं पहुंच गया हूं जिस लोकेशन पे मुझे आना था, और अगर आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है सेंटा क्रूज बीच, तो ये भी सब लोकल एरिया है, लेकिन आप यहां से बना सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूं मैं,
देती है लोकेशन, यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है सेंटा पे फिश, और वो है उसकी लोकेशन। अभी आ जाते हैं, चाचा से पूछते हैं कितने पैसे लेगा उसके बाद। और ये फाइनली जो है वो 1500 रुपये ईच, कितने का टिकट ये रहे 1500 रुपये ईच। और ये है सेंटा क्रूज, और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। और ये इन्होंने दिया है इस तरीके से हमें ईच टिकट 1500, ये सबसे सस्ता मिला अब तक का। और यहाँ पे लोग मौजूद हैं ऑलरेडी, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं। और सी बाबा, ओके ओके, दैट्स ऑल, इट्स ओके, इट्स ओके, व्हेरेवर यू वांटेड टू पार्क, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। Basically, he said that this is the cool piece of wood, and they use the drill machine to make it this handle. Okay. After that, you can use it for the key, anything. So basically, what is this? This is wood. This is bamboo. Bamboo means, in our language, we call it bas. These are the big ones. Bas. They do this. And whoever wants, they will comment. So I will buy for him and her also. Thank you. तो भाई ये एक और बंदा आ गया देखकर। ये इनकी ना सीनरीज यहाँ पे बड़ी मशहूर हैं, ये सीनरीज बनाते हैं इस तरीके से, और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं इनके जो आइडियाज़ होते हैं, बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव तस्वीरें बनाते हैं। और दिस गाइस इज़ हियर, सो थैंक यू। सो गाइस, प्लान इज़ व्हाट, यहाँ पर जो है ना मैंने दो बच्चे देखे, एक का नाम है मूसा, एक का नाम है डेविड। सो डेविड और मूसा हैज़ अ वेरी गुड टैलेंट, दे कैन रैप वेरी वेल। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो द नाइजीरियन पीपल दैट इफ़ यू वॉन्टेड टू नीड एनी रैपर, एंड इफ़ एनीबडी give them chance to rap in the studio and any of the party, so they will start, they are start showing the talent. Okay, so right now I just wanted to show both of them, and after that if you need those guys, so call them. So when they will finish the rap, so they will give the address and also the phone number. So if you guys wanted to ask them to come and show their talent, these are the Nigerian guys and they are very beautiful. I heard them before, and after that I just decided to make a videos for them, so that's a simple thing. Okay, this is Musa and this is David. Sit. Okay no wala. So Musa and David, now show your talent, what the talent you guys have. Okay yes, start. Be loud. Yeah, allow me to speak my mind. Yeah. Allow me to speak my mind. Yeah. But I love it because of this boy won't blow nah. And why go to the floor, deal rhymes. Give him a lie, I'm gonna ask him. I was in a plane. Yeah. Go to this place. Yeah. Of jumping. Yeah. When a policeman came. Yeah. Search my wallet. Yeah. Search cocaine. Yeah. Put it kid. Yeah. Communicate. Yeah. I go school late. Yeah. I was in the jungle. Yeah. Trying to hold. Yeah. Trying to hold. Yeah. I pray to Allah. Yeah. Me and my wallah. Yeah. I give my enemy. Yeah. Shoot them for ya. Yeah. And the Mr. Wallah. Yeah. Why you going to para? Yeah. You don't do bisala. Yeah. I put on white. I'm chubby bright. Every day gone, how the chop get a fries. And the white gold, the flow did rise. But I'm the dress. I'm singing, yeah. You are listening, yeah. All your enemies, yeah. You are crying, yeah. You go run, yeah. You get leave. Oh yeah, this is white, yeah. You want to fight, yeah. Fight you alright, yeah. You and your friend, yeah. You be tight, yeah. Oh yeah, you put on black, you never lack, you never dark. Now I found to go, you know if you go back. If you just see me, just say yeah. Don't worry now, you get there. So आप लोगों ने जो है वो इसका रैप देखा दोनों का, मूसा और इसका। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊँ। This is Musa, और मूसा इज़ मुस्लिम, और दिस इज़ डेविड, डेविड इज़ क्रिश्चन। सो ये सिर्फ जो है ना हमारे एरिया में है कि क्रिश्चन मुस्लिम ऑल दोस थिंग, बट दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दे आर स्टार्टिंग देयर करियर टू यू नो ईच अदर। सो नाउ दे आर टेलिंग द नेम एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट दैम। ओके मूसा एंड डेविड, टेल योर नंबर बट स्पीक लाउडली। 0708783602। ओके, टेल, give your message to your audience. My audience. My name is David. My stage name is Daniel Iskan. I can rap, I can sing. I want to share my talent. My name is Musa. My stage name is Muski. I want to share my talent. Okay. So you guys can. I'll also write the number of those guys, so you guys can easily contact them. So, or are you guys enjoying with the Fanta? Yes, sir. Okay. So you guys already saw the rap of both of them. So maybe if anybody has a chance to give a chance to them, so please call them, and thank you so much.
सो द प्लान इज़ वॉट कि मुझे ना यहाँ पे एक लड़का मिला है, इसका एक चैनल है, फेसबुक के ऊपर भी चैनल है, इंस्टाग्राम के भी चैनल है और यूट्यूब भी यूज़ करता है। मैंने उसको कहा है कि तुम अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको तुम अपना एड्रेस बताओ, तो आफ्टर दैट दे विल फॉलो यू। ओके, सो हिज पेज नेम इज़ लाफ द प्ले मेकर। ही इज़ अ नाइजीरियन गाय एंड इज़ अ वेरी गुड गाय। द हॉस्पिटैलिटी ऑफ नाइजीरियन इज़ वेरी 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 वेल। यू नो दैट गाय द टॉम, आई मेड हिम ऑन द शॉप राइट। सो दिस इज ही इज़ द सेम लाइक। सो लाफ द प्ले मेकर, tell your Facebook address and tell something about the Lagos, yeah. And something about the Santa Cruz beach. After that tell your address, okay. Your Facebook, whatever you have. Okay. Yeah, what's up guys, I'm Playmaker by name, Love the Playmaker. I'm from Enugu State, I based in Lagos City. Please follow me on Instagram, TikTok, subscribe to my YouTube channel, Twitter, Love the Playmaker. Love the Playmaker, please follow me and I'll follow you back also. Please I'm begging, follow me please. Laugh the Playmaker. Okay, you guys understand, so please follow this guy, he is doing very hard work. I saw him, so he's making videos and all those things, so please follow him. Thank you my audience, thank you so much. ओके सो भाई होता ये है सिनेरियो, कुछ ऐसा होता है कि हम जब यहाँ पे घूमते हैं तो हम बस क्या पीते हैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिस इज द ओनली फंटा है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो बस यही सीन चल रहा है। हाँ भाई वलीद भाई, आप बताओ आपको मज़ा आ रहा है? अबे इसमें तो हैंडसम लग रहे हो तुम बताओ मज़ा आ रहा है तुम्हें? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत इस ये फुल एंजॉय कर रहे हैं ये। अभी कोई चीज़ बाकी तो नहीं बची ना तुम्हारी, ये बताओ? नहीं। अपने दोस्तों को क्या पैगाम करोगे तुम, कराची वाले दोस्तों को क्या पैगाम करोगे? किसको सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो इन चीज़ों के लिए? मैं अपने एक दोस्त को मिस कर रहा हूँ। बताओ उसको टैग करेंगे तुम, बताओ। वो इन सब चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक करता है। okay. तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। नाम बताना पसंद करेंगे आपने? नहीं। अच्छा किन चीज़ों को पसंद करता है वो दिखाता हूँ आपको, ये किन चीज़ों की बात कर रहा है, किन चीज़ों को पसंद करता है, इन चीज़ों को पसंद करता है वो? बिल्कुल। ओके। तो भाई वलीद भाई के जो भी दोस्त है, तो वलीद का जो भी दोस्त है भाई, उसको मैं ये खुद टैग कर देगा तुम्हें ये वीडियो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुम बता देना, अपना व्हाट्सअप कर देना, वो पर्सनल में सेंड कर सकता हूँ मैं इसको, वलीद को सेंड कर दूँगा तुम इन्जॉय कर। चलो भाई बहुत हो गया, बस अभी जो है ना वो थोड़ा फोटो सेशन कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी। इसको पता नहीं क्या हो गया, उदास हो गया, इसकी ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना मैंने कि मैं बता नहीं सकता। मैंने इससे बोला था कि मैं इसी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करूँगा, पर बातें कुछ इस तरह की हैं कि वो रिकॉर्ड हो नहीं सकती। इसको चाहिए ख़तरनाक चीज़। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें यहाँ की ये वाली कालियाँ पसंद है, ये वाली पसंद है, कह रहा नहीं। और पूरा ना इसने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया कि मुझे ये चाहिए। मैंने सोचा रिकॉर्ड करूँ, फिर मैंने बोला यार नहीं, ये थोड़ा सा नाजेबा हो जाएगा। तो अपनी फांटा पीते हैं ऐसे और इन्जॉय करते हैं। हेलो, तो फाइनली आई हैव टू गो टू लीव दिस बीच। सो भाई प्लान यही हुआ है कि आप देख रहे हो जैकेट कितनी अच्छी लग रही है। मैंने बोला यार मैं जैकेट लेकर आया था चेंज कर दूँ, आपको बताएं कि कैसी लग रही है जैकेट, एक चीज़। सेकंड चीज़ ये कि अब जो है निकलने का प्लान है और बस निकलते हैं यहाँ से। और जो है ना मैंने यहाँ पे आपको रैपर भी दिखाया, कॉन्टेंट क्रिएटर भी दिखाया। तो फाइनली अब मैं अपना जो ब्लॉग है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इस ब्लॉग को यहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह करना शुरू कर रहे हैं। रात का टाइम हो गया है और अंधेरे के अंदर यहाँ रुकना ज़्यादा देर बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी डीजे शुरू होने वाला है, तो हमें चलना चाहिए अपने घर की तरफ। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, और देखते रहिए मेरे मजीद सीरीज ऑफ नाइजीरिया। सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट लेट्स सी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू सो मच। ये वाला सिनेरियो हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और हम क्या बताएं, कुछ बताने के लिए नहीं है, इन्जॉय कर लिया टू मच, अब बस गुड बाय।